जय श्री कृष्ण। नमस्ते। आज हम चैप्टर नंबर 14 पोएम हम भारत की शान है। पहले मैं पढ़ूंगा, आपको भी पढ़ना है और समझना है। बच्चे देश का भविष्य है, वे हमारे देश की शान है। इस कविता में बच्चे बता रहे हैं कि वे कैसे कैसे काम करके देश को आगे बढ़ाएंगे, है ना। बहुत अच्छी ये पोएम है, आपको पढ़नी है तैयारी। नन्हे नन्हे हमें न समझो, हम भारत की शान है। हमसे ही है धरती सारी, फैला यह आसमान है, है ना। नन्हे नन्हे हमें न समझो, हम भारत की शान है। हमसे ही है धरती सारी, फैला यह आसमान है। खूब है हम इस बगिया खुशबू फैलाना काम है। बढ़ चढ़ कर आगे जाएंगे, करते काम महान है। ऊंचे ही उठते जाना है, आगे ही बढ़ते जाना है। बड़े चलेंगे नहीं रुकेंगे, हम भारत की शान है। हम भारत की शान है। नन्हे नन्हे हमें न समझो, हम भारत की शान है। हमसे ही है धरती सारी, है लाल आसमान है। फूल है हम इस बतिया के खुशबू फैलाना काम है। बढ़ चढ़ कर आगे जाएंगे, करते काम उठते जाना है, आगे ही बढ़ते जाना है। बड़े चलेंगे नहीं रुकेंगे, हम भारत की शान है। हम भारत की शान है। बराबर। और ये पीछे स्वाध्याय है, इसमें क्या है? पहला शब्द है बगिया। तो बगिया को क्या बोलेंगे हम? बगीचा, शान, तो प्रतिष्ठा, खुशबू, सुगंध, आसमान, तो आकाश, है ना। तो हमें इस तरह ये कविता का ज्ञान करना है और इसके प्रश्नों के उत्तर है। और बाद में स्वाध्याय में कुछ ज्यादा तो नहीं है, लेकिन हमको पहले शब्द लिखने हैं, शब्दार्थ। इसमें पहला है बगिया। तो बगीचा उपवन, मधुवन, प्रतिष्ठा, तो शान, प्रतिष्ठा इससे शान, शान है शब्द, शान है। ठीक है। और है खुशबू, तो सुगंध, सु
आसमान और आकाश और अभ्यास है जो वाक्य प्रयोग करना है उस शब्द लेके, लेकिन ये स्वाध्याय है। प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं, जैसे प्रश्न आप लिख देंगे उत्तर है एक दो, इसमें भारत माता की शान कौन है कौन है, तो बच्चे भारत माता की शान है। भारत माता की शान ऐसे लिखना, भारत माता की शान बच्चे है। ठीक है, ऐसा लिखो। दूसरा प्रश्न है बगिया में खुशबू कौन फैलाती है, आपको ये लिखना है। प्रश्न प्रश्न के नीचे उत्तर नहीं जो लिख रहा हूँ वो आपको लिखना है, नंबर राइट उत्तर नंबर दो, उत्तर ये दो। तो बगिया में कुछ ऊपर में रहता है, बगिया में फूल फैलाते हैं। नंबर तीन, हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, हम कैसे बढ़ सकते हैं। कोई महान काम करके करके आगे बढ़ सकते हैं। आगे बढ़ सकते हैं, महान काम करके हम आगे बढ़ सकते हैं। ओके, बाद में नंबर चार पर है हमारे देश का भविष्य कौन है, तो वही उत्तर आएगा हमारे देश का भविष्य
कौन है? बच्चे ही है। बच्चे देश का भविष्य है, देश की शान भी है और भविष्य भी है। तो इस तरह ये प्रश्नों के उत्तर पूरा कर दिया। बाद में नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं जो हमारे देश के महान महान व्यक्ति है। इसमें पहला है अमिताभ बच्चन, दूसरा है लता मंगेशकर, बहुत अच्छी गायिका है। अमिताभ बच्चन कौन है? अभिनेता, महान अभिनेता। दूसरा कौन है? लता मंगेशकर बहुत अच्छी गायिका है। तो लता मंगेशकर इस महान गायिका है। तीसरे नंबर में है मदर टेरेसा, जो दीन दुखियों की सेवा करते थे। विक्रम साराभाई चौथे नंबर पर है। कौन है? विक्रम साराभाई। और है आगे अब्दुल कलाम, है ना? अब्दुल कलाम, अब्दुल कलाम कौन थे? ये भी साइंटिस्ट थे, है ना? तो आपको ये भी ध्यान रहना चाहिए अब्दुल कलाम कौन थे। ओके, बाद में आगे देखो सुनीता विलियम्स, कल्पना चावला, नॉर्गो, पीटी उषा, सचिन तेंदुलकर और साइना, है ना? ऐसे बहुत बड़ी बड़ी हमारे देश की जो हस्तियां इस पर बताई गई है। मैं आपको दूसरी बार मैं आपको इसकी जानकारी अच्छी तरह से दूंगा। और बाद में आगे हम चलेंगे चैप्टर नंबर 15 पर, खरगोश और हाथी। ठीक है, तो पढ़ते रहिए और देखते रहिए वीडियो, ठीक है? और अभ्यास करते रहिए, बिल्कुल बैठना नहीं, आराम से घर पे अच्छी तरह से पढ़ते रहिए। ये भरत माता श्याम की जो वीडियो है उसे देखकर ये पोएम हमको तैयार कर। ओके, बाय।